नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। यूपी में पार्टियों की तरफ से लगभग अपने सभी योद्धाओं का ऐलान कर दिया गया है। इसी कड़ी में वाराणसी के सेवापुरी सीट से सपा ने सुरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका लोग आरती करके स्वागत भी कर रहे हैं, जिस कारण माना जा रहा है कि बीजेपी को इस महारण में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स की आरती हो रही है। ये शख्स कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर अपने घर लौटा कोई आम आदमी नहीं है। दरअसल ये शख्स सपा का विधायक प्रत्याशी है, जिनका नाम है सुरेंद्र पटेल, जिनको सपा ने वाराणसी की सेवापुरी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां सपा की तरफ से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में सपा के प्रत्याशी अपने विधानसभा में जनता से वोट मांगने में जुटे हुए हैं, जहां जनता की तरफ से उनका इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें मुसहर बस्ती की है, जहां सपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो वहां की महिलाओं ने प्रत्याशी का आरती उतार कर माला पहनाते हुए स्वागत किया। डिजिटल तो फेल होता नजर आ रहा है ना, कि डिजिटल के माध्यम से गरीबों को आवास और गरीबों को फायदा देने की जो बात थी वो फेल हो गई। तो जो लोग डिजिटल पसंद करते हैं वो लोग डिजिटल करें, हम तो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और झूठ के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और हम बराबर एक एक आदमी से मिल रहे हैं और चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन करते हुए घर घर जा रहे हैं और सबसे डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। और डोर टू डोर वोट मांगने में ये फ़ायदा मिल रहा है कि 5 साल के झूठ का हर पब्लिक इंतजार कर रही है, झूठ के खिलाफ वोट डालेगी। लेकिन ये जो पिछला सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है, वो तो बात कर रही है कि मैंने गाँव का विकास किया, बिजली रोड पानी सब कुछ दिया। ये भाजपा सरकार है, इससे पूछिए कि इसने कितने थर्मल पावर 5 साल में बनाए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। थर्मल पावर हम बनाए, पावर हाउस हम बनाए, और बिजली ये कहाँ से दे देंगे जहाँ पावर हाउस नहीं है। यहाँ तो हम बहुत पावर हाउस बनाए, 132 कुरसातों में, 220 छठरा में, आज उस वजह से बिजली मिल रही है। इसी तरह थर्मल पावर हमारी सरकार के बनाए हुए थे और ये उस पर बिजली मिल रही है। मंत्री जी, अभी आप जब आ रहे थे तो लोग आपका स्वागत भी कर रहे थे, आरती भी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ये किस तरीके का आस और स्वागत है, क्या आस लगा रखे हैं उन्होंने आपसे? ये लोग सेवक चाहते हैं राजनीति में, राजनीति का भाषण देने वाला जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं। इसलिए इनको पता लग गया कि मैं मुसहर बस्ती में आ रहा हूँ, मैं आया तो इनको पता ही पता। देखिए, एक तो माला पर खरीद के बेचारा आरती लेके कर रहा था, इसके गरीबी को हम सलाम करते हैं। और सुरेंद्र पटेल ये कहता है कि सुरेंद्र पटेल जब तक राजनीति में रहेगा, जनता की सेवा, जनता के सम्मान, जनता के विकास के लिए जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष करता। इन तस्वीरों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पीएम का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि इस बार का मुकाबला कड़ा होने वाला है। कई जगहों पर स्थानीय विधायकों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सेवापुरी से बीजेपी की नील रतन पटेल उर्फ नीलू विधायक है, जिन्होंने 2017 में सीट से चुनाव जीता था, लेकिन अभी तक इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस सीट पर फिर से जीत के लिए बीजेपी की तरफ से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी की इस विधानसभा सीट से आखिर बीजेपी किसको अपना झंडा थमाकर चुनावी मैदान में जंग के लिए उतारेगी, और क्या वो बीजेपी का विजय पताका फहरा पाता है या फिर नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस महारण में सीट को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या उपाय किया जाता है और कौन इस बार यूपी में सत्तारूढ़ होता है, ये तो अब आने वाले 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।